प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांस गांव में 128 करोड़ की लागत की कुल 33 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसमें 28 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 5 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पूरे क्षेत्र का समग्र विकास हो, सड़कें अच्छी बने ताकि आवागमन बेहतर हो, स्वास्थ्य शिक्षा आदि के क्षेत्र में विकसित हो, इसके दृष्टिगत इन परियोजनाओं को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के दक्षिणांचल में अपार क्षमता एवं प्रतिभा है और इसका सही उपयोग हो तो यह क्षेत्र अपना कीर्तिमान स्थापित करेगा। यहां 50 बेड का संयुक्त चिकित्सालय बनाया जाएगा, जमीन की उपलब्धता के अनुसार इसे आगे बढ़ाकर 100 बेड का तैयार कराया जाएगा, धन की कमी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके दोनों ओर औद्योगिक गलियारा विकसित होगा, जिससे नौजवानों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त धुरियापार के बायोफ्यूल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे नौजवानों को रोजगार तथा किसानों को उनके पुआल एवं खर पतवार का दाम मिलेगा तथा क्षेत्र का समग्र विकास होगा। मुख्यमंत्री ने बांस गांव में फायर स्टेशन की स्थापना का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में खाद कारखाना एम्स का कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जो वर्ष 2020 तक पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा। कनेक्टिविटी में भी यह जनपद काफ़ी आगे है। गोरखपुर से दिल्ली बेंगलोर की हवाई सेवा प्रारंभ है तथा शीघ्र ही कोलकाता मुंबई एवं काठमांडू की भी सेवाएं प्रारंभ होगी। इस अवसर पर सांसद कमलेश पासवान, विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, संगीता यादव, संत प्रसाद, विपिन सिंह, सुरेश तिवारी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी सहित अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश अवस्थी, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, एडीजी दवा शेरपा आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, पंच की है भावनाएं, दुर्भावनाएं परास्त हो, हम सभी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसी मंशा से ये दिन है। शिलान्यास लोकार्पण हमारे बीच श्री अवनीश अवस्थी जी, जो अपर मुख्य सचिव पर्यटन सूचना निर्माण है, उपस्थित है, बहुत बहुत स्वागत है। पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए आपने जो कार्य किया है, निश्चित रूप से हम सभी के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। लेकिन विकास की प्रक्रिया से बहुत दूर छूट गया था। विकास की इस प्रक्रिया को जोड़ने के लिए ही आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसकी चारों ओर से जो सड़क कनेक्टिविटी है, कौड़ीराम से महावीर छपरा, कुसमौल से कस्बा संग्रामपुर, उनवल से, इन सभी कनेक्टिविटी को सड़क मार्ग से बेहतर सुविधा देने के लिए आज एक तो हम लोगों ने इन कार्यों का यहाँ पर शिलान्यास किया है। यहाँ पर एक संयुक्त चिकित्सालय 50 बेड का भी आज उसके भी आधारशिला रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर विकास की अन्य योजनाओं में, पर्यटन विकास से जुड़ी भी अन्य योजनाओं को भी यहाँ पर लिया गया है। बांस गांव गोरखपुर का दक्षिणांचल का जो क्षेत्र है, अपार संभावनाओं से भरपूर है। विकास की इन प्रक्रियाओं के माध्यम से यहां पर व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है, पलायन को रोका जा सकता है और इसी के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक को बांस गांव दक्षिणांचल क्षेत्र से जिसे आना है, इस दक्षिणांचल क्षेत्र की दृष्टि हम इसको जोड़ने के लिए उसके दोनों ओर औद्योगिक गलियारा बना करके व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन के कार्य जहां कर रहे हैं, वहीं धुलियापार में बंद चीनी मिल में एक बायोफ्यूल का प्लांट लगाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ की है। ये पूरा बांस गांव क्षेत्र, गोरखपुर का दक्षिणांचल का जो क्षेत्र है, अपार संभावनाओं से भरपूर है और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आज शुरुआत हुई है। मुझे विश्वास है कि विकास की प्रक्रिया यहाँ के लिए फलीभूत होगी। देखिए, यहाँ की आवश्यकता थी, ये लोग उसके हकदार थे, उनका हक उन्हें दिया गया है और इसलिए मुझे भी यहाँ आने में प्रसन्नता की अनुभूति।